रायबरेली में रानी गैंग के 6 टप्पेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसके बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीने से जिले की घटनाओं को अंजाम दे रहे से पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक दिन पहले 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। बीती रात डलमऊ इलाके में ईरानी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गैंग के सदस्य भोपाल के भूल निवासी है। जौनपुर फरुखाबाद के रहकर घटनाओं को अंजाम देते 2 दिन के भीतर 2 अलग अलग जगह से कुछ 6 सदस्य गिरफ्तार हुए। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि से पूछताछ की जा रही, जल्द ही गैंग और सदस्य पकड़े जाएंगे। प्राइमरी के लिए उस चैनल के लिए राम भवन रायबरेली उत्तर प्रदेश। सर, किस प्रकार से घटना को अंजाम देते थे, कौन सी गैंग है, कितने लोग पकड़ में आए हैं और कितने लोग फरार चल रहे हैं? देखिए, कल शाम को एसओजी और थाना डलमऊ की संयुक्त टीम के द्वारा एक ऑपरेशन में पुलिस एंगेजमेंट में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त फरहान अली और राहुल सक्सेना ये गोली से घायल हो गए। उस एंगेजमेंट में हमारा एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ जो खतरे के बाहर है, और इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा गैंग जो है एक बड़े गैंग के नेटवर्क का पार्ट है। इसी गैंग के 2 व्यक्ति जिनका नाम निसार हुसैन और ताहिर अली है, ये परसों पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए थे, इनकी गोलियाँ लगी थी। ये गैंग जो है ये ईरानी गैंग के नाम से मशहूर है, और ये लोग सिर्फ इस जनपद में नहीं, आसपास के कई जनपदों में इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं। इस जनपद में भी इनके द्वारा लूट और टप्पेबाजी की घटना की गई थी। इसके अलावा हरदोई जो पड़ोस का जिला है और सुल्तानपुर की घटनाओं का भी अभी तक इन्होंने कन्फेशन किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में अन्य भी तथ्य प्रकाश में आए हैं। ये लोग विभिन्न तरीकों से अपना काम अंजाम देते हैं। इनके द्वारा दिल्ली महाराष्ट्र कई जगह घटनाएं की गई इस पूरे गैंग के द्वारा। ये बेसिकली अभी भोपाल बेस्ड गैंग है, वहाँ से ये निकलता है, अलग अलग जिलों में जाकर कुछ दिन रहता है और वहीं से ये लोग आसपास के जिलों में ही ऑपरेट करते हैं। अभी जो हाल फिलहाल इनके रहने की जो जगह समझ में आई है वो फरुखाबाद है, जहाँ से आकर के ये लोग ऑपरेट करते हैं। इनके द्वारा विगत दिवस में कोतवाली में 1 लाख की टप्पेबाजी की गई थी, और सलोन में भी एक व्यक्ति को धोखा देकर के उससे कुछ जेवरात ले लिए गए थे। इनके आपराधिक इतिहास हमारे पास है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, अन्य आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। इनके पास से जो रिकवरी हुई है वो करीब पूरे गैंग से 70,000 रुपये की तकरीबन रिकवरी है। एक स्विफ्ट कार है, एक मोटरसाइकिल है और कई तमंचा और जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, और अन्य भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीम को कुछ मुश्किल थी इस साहसी कार्य के लिए, इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। सर, लालगंज वाले में भी थोड़ा ब्रीफ